एसटीवी न्यूज सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं करुणा त्रिपाठी, एसटीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लॉकडाउन का जिसमें सूरत के अनेक संस्था ने लोगों की अनेक प्रकार की सेवाएं की है और फूड वितरण किया है और गरीब वर्ग को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराया है। इसी बीच में एक संस्था ऐसी है जिसका नाम संकट मोचन है। उन्होंने 7,000 लड्डू का वितरण किया और इसके साथ फूड वितरण भी किया। इसके संचालक से हमारी यस टीवी की टीम को बात करने पर पता चला कि 23 तारीख से 7,000 व्यक्तियों का वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके आयोजक महेश सोनी, चिराग पटेल, भरत सोनी, पटेल नवाब, पटेल धनराज, अशोक जोशी, गोहिल सोनी एवं अन्य कार्यकर्ता हैं। ये सभी फूड पैकेट नीलकंठ रेजिडेंसी में बनाए जाते हैं और लोगों में वितरण किए जाते हैं। ऐसी संस्था को हमारी यस टीवी की टीम की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। किशन त्रिपाठी, यस टीवी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज आए हैं अंजनी इंडस्ट्री एरिया, इसमें कम से कम 3,000 से 4,000 आदमी के ऊपर खाने का व्यवस्था जो लड्डू बनाए हैं, इसके जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करेंगे क्या है और कितने दिनों से लॉकडाउन है, किस तरह पब्लिक की सेवा किया है। चलो, आपका नाम? चिराग भाई। आपने ये जो आज क्या व्यवस्था किया लोगों को क्या खिलाने के लिए, और किस कौन सा स्थल है और कौन सा ग्रुप है जो आप? इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग यहाँ पे ज़्यादा है कर्मचारी। हम लोगों ने पिछले 25 तारीख से हम लोग यहाँ खाना खिला रहे और हर रोज 4,000-5,000 आदमी का खाना खिला रहे। अखातृत के शुभ दिन हमने आज लड्डू का प्रोग्राम रखा है, लड्डू सब्जी रोटी हम लोग खिला रहे लोग। कितने लोग हैं और कितने लोग आप लोग? आज हम कम से कम 7,000 लोगों को खाना खिलाने वाले हैं। हमारे 3 काउंटर है, यही पॉइंट है, एक इधर है, 1, 2, 3 काउंटर पे 7,000 लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। यंग जनरेशन, आप यंग हो, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि ये कोरोना महामारी ऐसी है जो लोग क्या आपका पालन करें कि कैसा? कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की मैं सलाह देता हूँ और ये बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, सावचेती रखने की जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। कौन कौन से आपके? हमारा ग्रुप है पूरा संकट मोचन ग्रुप है। हमारे ग्रुप में सब लोग, हम सब लोगों के युवा दल लगभग 150 से 200 लोगों की हमारी टीम है। उन लोगों के सहयोग से ही हम लोग इतना बड़ा काम पिछले 1 महीने से बिना थके कर रहे हैं। जैसे कि हमने बात किया है कि ये संकट मोचन ग्रुप है, जैसा नाम ऐसा काम, लोगों का जो उनके गरीब व्यक्ति है उनका इस समय संकट मोचन यानी संकट की तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका सारे जो भी है हुआ है हमारी तरफ से, एसटीवी की तरफ से हम लोग उनके भावना देते हैं। बनकर दें आप।